पुराने जेल परिसर में बनाए गए भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय का उद्घाटन 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इसकी अनौपचारिक पुष्टि कर दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी समारोह में शामिल होंगे। उद्यान सह संग्रहालय की कुल लागत 142 करोड़ रुपये है। इसमें 117 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने खर्च किया है। वहीं भारत सरकार ने 25 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। उद्यान में म्यूजिकल फाउंटेन, कैफेटेरिया व इन्फिनिटी पुल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इसी कड़ी में आज बिरसा मुंडा संग्रहालय में नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे और आदिवासी कल्याण सचिव के सोन ने निरीक्षण कर उद्घाटन की तैयारियों का जायजा भी लिया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से भगवान बिरसा मुंडा फ्रीडम फाइटर संग्रहालय का जो योजना है वो मुक्त रूप दिया गया है। इसमें राज्य सरकार कुल राशि जो है 142 करोड़ की है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा 17 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और केंद्र सरकार के द्वारा 25 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। हम सभी जानते हैं कि झारखंड का जो इतिहास रहा है वो आंदोलन का इतिहास रहा है और फूल क्रांति सबसे पहले पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ झारखंड में शुरू हुआ था और उसी को आगे बढ़ाया भगवान बिरसा मुंडा ने, जो इस राज्य के न केवल एक महान सेनानी थे बल्कि उनको भगवान का दर्जा हम लोगों ने दिया हुआ है। उन्हीं की स्मृति में, चूँकि वो इस जेल में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण किए थे, तो उन्हीं की स्मृति में हम लोगों ने ये परियोजना का निर्माण किया है। और इसमें एक उद्यान है, एक संग्रहालय है, संग्रहालय में अन्य भी रत्न जो यहाँ के हैं, सिद्धू कानू, फुलो छानो, भगीरथी मान भगवान जी, चित्रकाना मंदिर, फोटो हो, ऐसे अन्य जो हमारे वीर सेनानी रहे हैं उन सबकी प्रतिमा हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। साथ ही साथ हमारे जो पर्यटक आएंगे उनके आकर्षण के लिए म्यूजिकल फाउंटेन, साउंड एंड लाइट शो, चिल्ड्रेन पार्क, कैफेटेरिया इत्यादि का भी निर्माण किया गया है। लोगों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था है। कुल मिला के रांची शहर के लिए एक सबसे बड़ा आकर्षण करके बने दिनों में बनने जा रहा है और इसके लिए आप सभी हम लोग आए हैं। आगे आप सबका सहयोग रहेगा, डेफिनेटली एक पर्यटन का केंद्र बनेगा। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के भी आभारी हैं उन्होंने के समय इस स्मृति उद्यान संग्रहालय के उद्घाटन के लिए दिया है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर। और मुझे आशा है कि इससे राज्य को और शहर को एक नया पहचान मिलेगा।